The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So female vagina ke upar ke andar uterus jo hota hai, female ka jo bachchedani hoti hai, bachchedani ke bahar nikalne wala vagina hota hai, एक सुरंग के जैसी होती है वजाइना। एंड वजाइना के जो सबसे बाहर का एक छोटा सा गेट होता है, कह लीजिए वो पार्शियली खुला हुआ गेट होता है, जिसे हम हाइमन कहते हैं। ये पार्शियली खुला हुआ गेट इसलिए कहते हैं कि इट इज बेसिकली कवरिंग हाफ ऑफ द मेम्ब्रेन। सो हाइमन इज समथिंग विच इज लाइक, अगर कोई कवरिंग है तो उसको आधा या कभी कभी पूरा आधा कवर करता है, पूरा नहीं कवर, कभी कभी मतलब नेचुरली जो होता है वो आधा कवर करता है, किसको, जो आपके वेजाइना की एंट्रेंस है। अब उसको आधा कवर करने का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि इट शुड ब्रेक, राइट, इट शुड ब्रेक, सो दैट इज देयर। और इसमें सबसे बड़ा इशू क्या हो जाता है लोगों का, कि बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो हाइमन ब्रेक होके वहां से अच्छा खासा ब्लड भी आता है। सो जब ब्लड आता है तो उस चीज को फिर एक इंडिकेशन माना जाता है अबाउट वर्जिनिटी। सो यहाँ पर सवाल हाइमन का नहीं है टेक्निकली, सवाल वर्जिनिटी का, सवाल वर्जिनिटी का है। और ये बहुत पुराने जमाने का इशू है, बिकॉज अब यंग और आज की जनरेशन में ये चीज, ये कॉन्सेप्ट नहीं रह गया कि वर्जिनिटी वाला, सो दैट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन होता गया है, हो रहा है, एवरीबॉडी इज गेटिंग वेस्टर्नाइज, सो उतना ही ज्यादा वर्जिनिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। बट द पॉइंट इज कि जब हम जो लोग इसके बारे में सोचते हैं वो इसीलिए सोचते हैं कि फर्स्ट सेक्शुअल इंटरकोर्स में हाइमन जब ब्रेक होता है, और इट्स लाइक अ मेम्ब्रेन, ये सिंपल सा एक परत है और वो परत ब्रेक होती है तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, हल्का फुल्का, किसी में ज्यादा किसी में कम, क्योंकि कुदरती तौर पे अलग अलग लेवल के हाइमन्स होते हैं और अलग अलग डिजाइन भी होता है हाइमन का, जी हाँ वो भी है, टाइप भी होता है। और किसी किसी का हाइमन जो, जैसे मान लीजिए वजाइना है, वजाइना में किसी किसी का एकदम सिर्फ बाहर बाहर हाइमन है, किसी किसी का थोड़ा अंदर है, किसी का हाई अप है जाके है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन वहाँ है, किसी का थोड़ा आधा आधा बंद है, किसी का कोई कोई होता है रेयर जिसका पूरा बंद है, तो पूरा बंद वाला जो है वो टूटने में टाइम लेता है, तो वो दिक्कत करता है, जो आधा बंद वाला है वो अपने आप टूट जाता है। सो अपने आप का हाइमन टूट सकता है, जी हाँ टूट सकता है। क्या बोलते हैं कि लेडीज, लड़कियों का अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिजिकल, अच्छा एक बात बहुत सुनी थी पहले और बोलते भी है लोग, कि फीमेल अगर साइकिल चलाएंगे तो हाइमन टूट जाएगा। सो बिल्कुल ऐसी बहुत खतरनाक सी बातें हैं। सो ऐसा कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि हम इसको प्रूफ कर सके। सो ऐसा साइकिलिंग के बारे में मैंने भी बहुत सुना था, और स्पेशली स्पोर्ट्स में अगर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है, कई बार बहुत ज्यादा अगर आपके उछल कूद है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड अग्रेसिव आपकी लाइफस्टाइल है, तो भी हाइमन कैन एक्चुअली ब्रेक बिफोर द फर्स्ट इंटरकोर्स, दिस इज आल्सो व्हाट आई हैव हर्ड। सो ये मिथ है या ये सच्चाई है? नहीं ये मिथ नहीं है, इसमें सच्चाई है, मगर ये क्वांटिफाई कभी नहीं किया गया कि किस लेवल पे है, किस कितना सेफ है और कितना नहीं है। और हाइमन का सबसे अव्वल बात है कि आप हाइमन का इम्पोर्टेंस होना ही नहीं चाहिए कायदे से, सो इसका कोई लॉजिक नहीं है। पॉइंट ये है वो, दैट इज समथिंग विच इज सपोज टू ब्रेक बाय इटसेल्फ, विच इज सपोज टू ब्रेक बाय इटसेल्फ आफ्टर उनकी जब एज होती है, जब रिप्रोडक्टिव एज होती है, सेक्सुअल एज हो जाती है, तो हाइमन अपने आप उनका ब्रेक होता है। नाउ दैट इज, हाँ अब अगर किसी का, द पॉइंट इज टेक्निकली भगवान ने रिप्रोडक्टिव एज जो बनाई थी वो 18 साल की उम्र के आसपास बना दी थी, कि भाई तुम वैसे तो आपके जब मेंसेस शुरू हो जाते हैं, टेक्निकली जब मेंसेस शुरू हो जाए तब से आप बच्चे पैदा कर सकते हो, ठीक है। तो भगवान ने बनाया था कि भाई चलो 13-14 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपके मेंसेस शुरू हो गए और अब आप चाहोगे तो बच्चे पैदा कर सकते हो।
सो दैट्स वाई योर हॉर्मोन्स लाइक स्पाइक होते हैं और आपकी सेक्सुअल अर्जेस शुरू होती हैं, और बाहर के देशों में लोग फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंडिया में भी चालू हो गए हैं, मगर हो गए हैं। तो इसका पॉइंट यह है कि वहां आपका इसीलिए नहीं, वो अपने आप ब्रेक होने की टेंडेंसी उसकी आ जाएगी, बिकॉज यू एक्सपेरिमेंट। फीमेल्स कैन एक्सपेरिमेंट बाय पुटिंग सम थिंग्स और फिंगर्स इनसाइड, अपने आप भी वो मैस्टर्बेशंस करते हैं, कभी कभार एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो वो भी हाइमन ब्रेक कर सकता है, दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एंड बहुत ज्यादा, सो यू विल नेवर नो कि भाई हाइमन का जो ब्रेकेज हुआ है ये फिजिकल एक्टिविटी से हुआ, कि उस दिन साइकिल चलाया था उससे हुआ, कि क्या हुआ, क्योंकि फीमेल्स में ऐसा तो, जैसे मेल है, मेल में तो भाई देर इज नो पॉइंट ऑफ ब्लड कमिंग आउट ऑफ द पीनस, देर इज नो पॉइंट, है कि नहीं। सो पीनस से ब्लड आया तो खतरे की घंटी, ये हुआ क्या, है कि नहीं, ये कैसे हो गया। बट फीमेल्स में ऐसा नहीं है, फीमेल्स में देर कैन बी स्पॉटिंग एनी टाइम, बीच बाच में कभी कभार स्पॉटिंग हो सकती है, कभी पीरियड्स इरेगुलर है, स्पॉटिंग हो गई, सो यू विल नेवर नो कि हाइमन टूटा कि स्पॉटिंग हुई, है कि नहीं। और आप जाके बार आप जाके बार बार चेक नहीं कराओगे कि डॉक्टर साहब देखो कुछ हुआ तो नहीं। हाँ, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग फ्रॉम ओल्ड, कह लीजिए पुराने जमाने के जो बैकवर्ड माइंडेड लोग होते हैं, कि अगर शादी होती है और फर्स्ट इंटरकोर्स होता है और वाइफ का ब्लीडिंग नहीं होता, तो दे स्टार्ट थिंकिंग कि पता नहीं ये क्या है और वो क्या है। सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट सीन नाउ अ डेज, क्वाइट फ्रेंकली। एजुकेटेड लोग हैं, काफी लोग नहीं होते, बट अनएजुकेटेड सोसाइटीज में और थोड़े से वो अभी भी मान लीजिए हैं ऐसी चीजें। सो और प्लस इवन एजुकेटेड लोगों में वो डाउट है बिकॉज ऑफ दैट, कि यार पता नहीं कुछ होगा तो नहीं, कुछ कोई कोई बोलेगा तो नहीं, कोई कुछ करेगा तो नहीं। इंडिया के अंदर तो सिर्फ डाउट है, और बाहर के देशों में और इवन इंडिया के अंदर अब सर्जिकल प्रोसीजर्स भी आने लग गए हैं, यू कैन उसको सी दो वापस। सो देर आर प्रोसीजर जिसमें अच्छा आप, हाँ जी बिल्कुल, ओके जिसमें यू कैन एक्चुअली बिल्ड हाइमन वेरी वेरी इजीली। सो देर आर ऑपरेशंस, प्लास्टिक सर्जन्स हाइमन बना देते हैं, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। वजाइनास को, ओके टाइट किया जा सकता है। सो देर आर मेनी थिंग्स, हाँ बड़ी बात नहीं यहाँ है। पे देविन है जो पूछ रही है, देयर आर सो मेनी वजाइनल टाइटनिंग क्रीम्स इन द मार्केट, आर दीस फॉर रियल और जस्ट अ गिमिक? गिमिक, बकवास। ओके वजाइनल सॉफ्टनिंग क्रीम्स आती हैं और वजाइनल टाइटनिंग हाँ क्रीम्स हैं जो टेम्पररीली टाइट करेगी, जब तक असर रहेगा तब तक टाइट करेगी, बिकॉज दे विल जस्ट कॉज अ लिटिल बिट ऑफ स्पाज़म ऑफ द मसल। ठीक है, वजाइना इज अ मसल, ठीक है, वजाइना हैज कंट्रोल्स, जैसे आपका पीनस इज अ मसल। सो आप चाहो, राइट आप एक फीमेल चाहे तो वजाइना को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सो यू कैन कॉन्ट्रैक्ट द वजाइना, यू कैन रिलैक्स द वजाइना ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स ऑल्सो, यू कैन ट्राई एंड कॉन्ट्रैक्ट द वजाइना एंड मेक इट फील राइट टाइटर, वो पॉसिबल है। ठीक है, यू कैन ट्राई एंड रिलैक्स द वजाइना, वो भी चीज है। अब जब इसको इसको जो पहली बार सेक्स होता है उसको, जब वो वजाइना, कभी कभी ऐसा होता है डर लगता है, ब्लीडिंग होगी, दर्द होगा, तो जोर से दबा के इनवॉलेंटरीली भी कई बार वो दबा लेती हैं उस मसल को। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो कंडीशन वेयर फर्स्ट सेक्स ही नहीं हो पाता, बिकॉज एक फीमेल जो है वो उसको दबा के रख लेती है। सो दैट इज ऑल्सो वन कंडीशन। सो टेक्निकली स्पीकिंग वेजाइना इज अ मसल, ओके, यू कैन टाइटन योर वजाइना आफ्टर प्रेगनेंट। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लोगों को डिलीवरी में, डिलीवरी हो गई उसके बाद राइट में नॉर्मल डिलीवरी हुई, इतना बड़ा बेबी बाहर निकला तो वजाइना इतनी स्ट्रेच हो गई, फिर लोग सोचते हैं, लड़के सोचते हैं यार अब कुछ मजा आएगा कि नहीं, अब क्या होगा, तो फिर लड़कियां भी सोचती हैं अब क्या होगा, राइट। तो वजाइना इज अ मसल और वो अंडर हॉर्मोनल इन्फ्लुएंस इट कैन एक्सपांड, इट कैन रिलैक्स, एंड इफ यू एक्सरसाइज इट इट कैन बिकम फर्म जस्ट लाइक योर मसल। अगर आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसकी टोनिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो ये फ्लैबी हो जाएगी, टाइट करोगे तो टोनिंग हो जाएगी, इट्स अ मसल।
सो यू कैन डू दैट विथ योर वजाइना ऑल्सो. ऑल यू नीड टू डू इज बी लिटिल टोन्ड. अगर आप खुद ही फल फले हो तो फिर आप वहां पे भी फल फले होंगे. सो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है. तो इट्स लाइक आई ऑलवेज टेल देम कि ये चीज एक्चुअली हो जाती है आफ्टर आफ्टर सम इयर्स ऑफ मैरिज. शादी हो गई, फिर थोड़े साल हो गए, फिर उसके बाद वाइफ जो है और हस्बैंड जो है एक दूसरे को रिझाने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. एंड देन दे विल लाइक इंटरेस्ट नहीं रह गया, मजा नहीं आ रहा, घर की मुर्गी दाल बराबर. बाहर की कई लोगों का ऐसा रहता है कि बाहर की मुर्गी देखेंगे नहीं, लेकिन ऐसा लगने लगता है मेरे में ही कुछ गड़बड़ है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लिपिडो कम हो गया है. बट दे डोंट रियली सी दैट ओके देयर इज अ टाइम राइट. नवी मोटरसाइकिल चलाने में मजा आती है, फिर एक टाइम के बाद पता भी नहीं चलता कि मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, है ना. फिर यू स्टार्ट एंजॉयिंग थिंग्स. अरे वो देख, पता भी नहीं चलता कि टर्न कब लिया और घर कब पहुंच गए, है कि नहीं. फिर यू आर लाइक दैट, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि टर्न कब लिया, कार में बैठे हैं. पहले पहले नवी नवी कार चलाने में मजा आती है, ओए क्या मजा आया, क्या मजा आया, उसके बाद पता भी नहीं चलता कार चला रहे हैं. सो दैट्स योर माइंड, सो दैट्स योर माइंड. इफ यू डोंट गिव इट चेंज, इफ यू डोंट गिव इट चेंज, सो उसमें मजा नहीं आएगा. इट विल बिकम, तो आपने अगर आप अब हर बार बीवी तो नहीं चेंज कर सकते, हर बार हस्बैंड तो नहीं चेंज कर सकते, है ना, वरना आप इंडिया में क्या कर रहे हो, राइट. सो ऐसा है. सो इसके लिए आपको खुद को और वाइफ को और हस्बैंड को इस कम्युनिकेशन पे रहना चाहिए कि दे हैव टू ट्राई एंड गेट बेटर इन देयर फिजिक, इन देयर हेल्थ. एटलीस्ट ट्राई करना जरूरी है, बिकॉज वट एवर दे आर, इफ दे बिकम बेटर आफ्टर सम टाइम, इट विल गिव मोर प्लेजर. सो हाइमेन इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ अ फीमेल बॉडी, इट हैज नो अदर सिग्निफिकेंस, नो अदर फंक्शन. कोई अदर फंक्शन नहीं है कि हाइमन नहीं है तो कोई बड़ी बात हो गई, अब इसमें कोई कमी है, नथिंग लाइक दैट. ना बच्चे पैदा करने में कोई इशू है, ना किसी चीज में कोई इशू है, ना किसी हेल्थ में कोई इशू है. हाइमन इज, और ऐसे भी कई लोग हैं जिनमें हाइमन हो ही ना, बचपन से ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है. सो देर आर समथिंग, और ऐसे भी लोग हैं जिनमें हाइमन पूरा बंद हो. अगर हाइमन पूरा बंद होगा तो क्या होगा पता है, उस लड़की को पीरियड ही नहीं आएंगे कभी. क्योंकि उसका तो पीरियड होगा, पीरियड फिर वो पीरियड ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो हाइमन से वो बाहर कैसे आएगा, आधा भर घूमने तो ब्लीडिंग बाहर कैसे आएगी, है कि नहीं. उस लड़की को फिर बचपन में उसको पेट दुखने लगेगा, आज 16, 14, 15 साल की लड़की को पेट दुखने लगेगा, क्योंकि अंदर यूट्रस तो अपना काम कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, फिर ब्लीड कर रहा है, ब्लड जो है वजाइना में जमा हो रहा है, बाहर ही नहीं आ रहा है, फिर वहां जमा 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 दर्द होने लगेगा. फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी नीचे से चेक करेगी, ये तो इम्परफोरेट हाइमन है, इसको खुद फाड़ना पड़ेगा. फिर वो हाइमन को फाड़ना पड़ेगा, तब जाके वो बाहर आएगा, और इस तरह हाइमन फट गया. तो जब हाइमन का कोई, जब हाइमन फटा ही होना चाहिए, तो फिर टेंशन किस बात का है कि नहीं, राइट. सो ये बहुत बड़ा सिंपल सा टॉपिक है. हाइमन इज नथिंग टू बी यू नो रनिंग अराउंड, सो टेंशन मत लीजिए अपना. देखिए मेरे हिसाब से जो है, इंसान को जीवन साथी चुनने के, तो दोस्त चुनते हो, गाड़ी चुनते हो तो माइलेज देखते हो, गाड़ी चुनते हो तो क्या देखते हो, माइलेज कैसा है, ये कैसा है, लुक कैसा है, और फलाना ढमकाना ढमकाना कैसा है. भाई एक अच्छा आदमी 100 चीजें देखता है. और अगर बीवी चुनोगे तो ये थोड़ी देखोगे कि सिर्फ, बाकी सब चीजें देखो ना, बाकी सब चीजें सही है आपका. या हस्बैंड चुनोगे, सिर्फ पैसे थोड़ी देखोगे, उसका नेचर कैसा है, फलाना ढमकाना चीजें कैसी है, आपके साथ में बात बनती नहीं बनती है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जिसको हम, इस चीज को मैच्योरिटी बोलते हैं. जो लोग मैच्योर नहीं होते वो इस चीजों के बारे में सोचते हैं, जो फिर नहीं होते मैच्योर, फिर तो उनका वो उनकी दुनिया की बातें हैं ये. मतलब जो मैच्योर लोग हैं वो इस चीजों के, इन चीजों के चक्रों में नहीं पड़ते, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट हाइमन.